नंबर या 07-662-35-24-51 पर डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक IVF मौच तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग। मध्य प्रदेश माह 2023 के चुनावी महादंगल के आगाज हो गया है। हर दल आपन अपन पहलवान ये दंगल में उतार दी ने। भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधी लड़ाई है। कांग्रेस दावा कह रही है कि अगर की सत्ता में हम आऊ तो भाजपा लगातार सत्ता में बने रहे के दावा कह रही है। केकर दावा हुई फेल, केकर पास वह तो जनता के जनमत तय करी, लेकिन सीधी विधानसभा में माहौल बदला है। माहौल काहे बदला है, वजह यह है कि एक बड़े भाजपाई के द्वारा भाजपा के दामन छोड़ के कांग्रेस के दामन था भी लीट गया है। शैलेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, उनसे जाने के प्रयास करब कि आखिर का वजह रही कि उनकर मोह भंग भाजपा से होके कांग्रेस में चले गए। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल भंकर तिवारी प्रपंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे खास बातचीत के। पहले तो भैया बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए का वजह रही कि भाजपा से मोह भंग हो के अब कांग्रेस में आ गया? भाजपा से मोह तो था ही नहीं। देखिए, मेरा पिछला 5 साल मैं शासकीय सेवा में था और जब मैंने राजनीति में या समाज सेवा का काम करने का सोचा तो हमसे हमारे पूर्व सहयोगी हैं, हमारे गांव के हैं यहाँ पंडित केदारनाथ शुक्ला जी, उन्होंने कहा कि हमारे साथ आइए। अब पंडित केदारनाथ शुक्ला ने साथ में तो लिया, बढ़िया अच्छे वोटों से चुनाव भी जीत गए, लेकिन 5 साल उन्होंने कोई खोज खबर नहीं ली और उनका जो पूरा कार्यकाल था तो हमको ऐसा लगा कि हम जो थोड़ा बहुत नौकरी के कार्यकाल में लोग जानते थे वो भी विलुप्त हो जाएंगे। तो हमने कहा ये सब हमको विलुप्त करने का इनका साजिश है, इनको अपने साथ लेकर या हमारे लिए कुछ करने या हमारे लिए कुछ सोच समझ की बात इनके पास है नहीं। इसलिए मैंने सोचा बेकार है, अभी फिर से नया अध्याय चालू हुआ है। और मेरी विचारधारा शुरू से मैं अपने छात्र जीवन से कुंवर अर्जुन सिंह से प्रभावित रहा हूँ। राहुल भैया, इंद्रजीत कुमार जी हमारे नेता रहे हैं, तो वो गलती थी, उस गलती का हमने सुधार किया है और मैं पूरी तौर से कांग्रेसी मानसिकता का आदमी बचपन से अपने छात्र जीवन में रहा हूँ और वर्तमान में कांग्रेस में, कल मैंने राहुल भैया के कहने पर ज्वाइन किया है और पूरी तरह से तन मन धन से कांग्रेस की सेवा में आगे काम करूंगा। चलिए, पहले अपना जैसा कहन कि घुटन लागत रही भाजपा में? बिल्कुल बिल्कुल 100% भाजपा में तो आप बोल नहीं सकते, भाई साहब हैं, कुछ बहन जी हैं, बस उन्हीं की बातचीत सुनिए, उन्हीं के बाहर से आ जाएंगे, स्थानीय आदमी कोई महत्व नहीं। अब देखिए वर्तमान में जो सीधी का कैंडिडेट है 15 साल से वो सत्ता में है कंटिन्यू, कहाँ से वह पैराशूट से कूदा के रख दिया है। सीधी विधानसभा का इनको प्रत्याशी कोई नहीं मिला, अच्छा खासा उनका कार्यकाल चल रहा था केदारनाथ शुक्ला जी का, चाहे खराब चलता रहा लेकिन स्थानीय है, उनको ही देना चाहिए था। और बहुत लोक नेता थे सीधी में, बहुत उनके कार्यकर्ता थे, उनको देना चाहिए था, किसी को नहीं, ला करके सियाबल से यहाँ पटक दिया। अब वो उनको कार्यकर्ता ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, भाजपा ही सब मुँह फुला के बैठे हैं, कैसे वो चुनाव जीतेंगे? भाजपा की सरकार भी नहीं बन रही है ऐसा सुनने में मिल रहा। तो ये सब चीज़ें हैं भाई, भाजपा के कथनी और करनी में बहुत अंतर, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। चलिए, तो यह सबसे बड़ी बात यह है कि आज के जो ये चुनाव है, आज के जो यह माहौल है, वो माहौल धीरे धीरे बदल रहा है। बदले के वजह ही अपना कह रहे हैं कि हम पहले कांग्रेस में रहन, कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित रहन, लेकिन हम जो है भाजपा में कोनो व्यक्ति बरगलाई के लगे रहे, ये वादा झूठा। जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने ये कहा था कि हम आपके साथ में, आपने पूरे छात्र जीवन में मेरा विरोध किया था। और किसका विरोध करते थे आप? हम लोग अर्जुन सिंह के गुट चलाया करते थे अपने कॉलेज का और उनका चंद्रताप तिवारी का गुट था, चुनाव हुआ करता था, हम लोग एक दूसरे के आमने सामने रहते थे, कभी हम जीत जाते थे, ज़्यादातर हम लोग जीते चुनाव, और कभी वो उनके भी कैंडिडेट जीतते थे, तो हमारे विचारधारा उनसे अलग रहती थी। फिर उन्होंने कहा कि भाई हम बहुत दिन से अपन लोग अलग अलग खेमे में रहे हैं, हमारी मदद करिए, इस बार हो सकता है अंतिम चुनाव हो और आप जो कहोगे वो करेंगे। फिर उन्होंने उसके बाद बात करना बंद कर दिया, कोई काम नहीं किया, एक भी काम हमारे पक्ष से हमारे लोगों के उन्होंने नहीं किए।
ये कोई नाराजगी भी नहीं है, वो सीधी विधानसभा के हैं, सीधी विधानसभा के लोगों का ही काम उन्होंने नहीं किया, झूठ भरे बोलना एक आदत में है, जो शुरू से बोलते आ रहे हैं वही कर रहे हैं। एक यही वजह है कि टिकट नहीं दिया भाजपा ने उनको। अच्छा, भाजपा के टिकट की वजह है, शायद यही है, झूठ बोलते हैं, कोई काम धाम तो करते नहीं है, बस एक हम हमारे दादू के अलावा उनके पास कोई है ही नहीं, ठाकुर वो क्या कहते हैं अपने मालिक मालिक के अलावा उनके पास कोई नहीं है, और वही उसी को नेता बना रहे थे, वही नहीं रह गए, ये भाजपा नहीं रह गए, भाजपा भी नहीं रह गई ना, वो रह गए, बड़ी स्थिति खराब हो गई उनकी। चलिए अब बात यह हो जाए कि यदि जेकर अपना जिक्र कह रहे हैं, जेके वजह से अपना आयन भाजपा मान, सबसे बड़ी बात यह है कि यदि एक जाति वर्ग का टारगेट करके उनकर राजनीति हो रही, ये हमेशा जो है कांग्रेस आरोप लगा रही है कि लोगों के अंदर यह माहौल रहा कि एक जाति वर्ग का टारगेट कर रहे हैं और बाद में चुनाव के टाइम में आए के उन्हें को उदड़वाए के और वोट ले रहे हैं लोगन के। ये बताइए, अपनों तो वह जाति वर्ग विशेष से आई थे और अपना के लगे खुद आए आग्रह करें कि भाई बरगलाइन अपना का कि आज ही तो अपना बचे आपस में साथ में रह सके थे, मगर जनता की तिर जहर घोले के काम ये कितना उचित मानी थी। देखिए, पंडित केदारनाथ शुक्ला जी अपने नाम के पहले पंडित लगाए दें, हम तो कबू नहीं लगाए कि ठाकुर शैलेंद्र बहादुर सिंह चौहान है, हम शैलेंद्र सिंह हैं, तो पंडित केदारनाथ शुक्ला कहे के मतलब है कि जाति वर्ग के विशेष अपने साथ जोड़े हैं और उनके इर्द गिर्द कर देखी महाराज, तो वो लोग हैं महाराज, महाराज लोग हैं, हमार बजन के कहा हुआ नहीं, जो के जने गबो है उनके साथ तो उनका बड़ी उपेक्षा है, बड़ा मुश्किल से अपना धर्मेंद्र परिहार की स्थिति देख ली बेचारा, वो कितने उनके पीछे आगे घूम आज किनारे खड़ा है, तो आई यह तरह के हम बहुत उदाहरण देव सीधी के मैगजिमम लोग छात्र जिंदगी समय तक एक साल से ज़्यादा उनके साथ क्यों टिक नहीं पावे, वजह का लागत पता नहीं, उपेक्षा भाव है हमारे समझ से, अपने राष्ट्र लियावत है उनकर, जैसे अपना नींबू काटी थे नींबू का निचोई थे जब तक रस रहा थे निचोई उनके काम करा, बाकी छोकदा करके छोड़ दी नहीं, तो बाकी लोगों को छोड़ दे थे छोकदा हो गया नहीं। ये जो 20 साल के सियासत रही सीधी के, ये मैं मूलतः एक जाति वर्ग का टारगेट कह के और जाति संघर्ष पैदा कह दी इनका, एक कहाँ तक न्याय मानी थे सीधी के जनता से। देखिए, सीधी में पूर्व में अगर ध्यान दें तो सीधी में द्विगुट हमेशा रहा, पंडित केदारनाथ शुक्ला तो बाद के पैदाइश आ ही, वो अपने का माना था कि हम एक वर्ग के नेता हैं, जबकि आज की स्थिति में ऐसा है नहीं, वो ब्राह्मण वर्ग के नेता हैं नहीं, अब तो हमारे समझ से यह चुनाव बता दे कि वो कहाँ के नेता नहीं रह गए, और चंद्र प्रताप तिवारी जी सीधी के बड़े नेता रहे, बड़ी शख्सियत रहे, उनके बाद वही समकालीन कुंवर साहब रहे, कुंवर अर्जुन सिंह जी, तब कुछ देखे कार्यकर्ता में ये भावना होती हम इनके साथ काम करते थे, हम इनके साथ तो ब्राह्मण गुट ठाकुर गुट या एक थे चला रहा, पर जातिवाद इतना जोरों पर नहीं रहा, बाद में वो लोग नहीं रह गए। अब पंडित जी सोचा था कि एक ब्राह्मण गुट के हम नेता हैं, जबकि ऐसा नहीं आए, यह भाव उनके मन में है, और ये चुनाव में जनता बताए दे कि उनके साथ ब्राह्मण लोग हैं कि नहीं आई, अगर हैं तो उनका वोट मिले चाहिए, 20,000 से पिछले बार जीते ने अदारी और 40,000 से जीते चाहिए, 60,000 ब्राह्मण हैं बता बताए हम क्षेत्र में, तो अभिनार उनके ताकत का अंदाज हो जाए उनका, तो उनके पास कितने का अंदाजा है कि कितने का है कि अपनों सियासत का बड़े पैनी नज़र से देखी थे तो का लागत थे का स्थिति है। देखिए, हम उनके नेतृत्व का इनकार नहीं करी, निश्चित रूप से केदारनाथ शुक्ला अच्छे नेता हैं, और अगर उनका हमारे व्यक्तिगत बात छोड़ दी, उनका अगर क्षेत्र में काम भाव हुई हमारे जानकारी में नहीं आए, काम लफाजी के है, अगर वह हुई तो जनता उनका वोट देगी, और हमका लागे नहीं कि बात सही आए वो उतरी, हमका व्यक्तिगत रूप से नहीं लागे कि जो उन कहा थे तो उन करत है, जो उन कहा थे उन करत नहीं आई, ऐसे जनता उनका वोट हमका नहीं लागे के देगी। चलिए, तो कुल मिला के हमारे साथ रहे शैलेंद्र सिंह जी, जिनके द्वारा साफ तौर पर जो है हमला की इनका एक व्यक्ति पर, जे पहले भाजपा में रहे और सीधे विधायक रहे, लेकिन आज निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनसे उनके ऊपर जो है सीधा जो है आरोपों लगावागा और उनके ऊपर यह कहागा कि उनके वजह से हम अब जो है कांग्रेस में सदस्यता ले लिया, अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम।